हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज मैं हम आपको सिखाने वाले हैं कि अपने व्हाट्सएप में स्टेटस को अपने हाइड कैसे करें। तो अब सिंपली से अपने व्हाट्सएप को खोल लेना है। तो यहाँ पे अपने व्हाट्सएप में जाने के बाद में अपने स्टेटस वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब आपको थ्री डॉट्स कोने में नज़र आ जाएगा, तो आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टेटस प्राइवेसी का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, एंड उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। देन उसके बाद क्लिक करने के बाद में आपका जो ऑप्शन है वो माई कॉन्टैक्ट पर होगा। देन हमें अपने स्टेटस को किसी एक या दूसरे अधिक लोगों से हाइड करना है, तो हमने अपने दूसरे ऑप्शन पर चले जाना है। देन आप देख सकते हो ये ऑप्शन पर टिक लगे हुए हैं, एंड ये जो टिक लगे हुए हैं इन ऑप्शन पर, अगर ये जिन कॉन्टैक्ट पर ये टिक लगा हुआ है उन लोगों के पास मेरा स्टेटस नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपने टिक लगा देना इस तरह से। अभी जिस पर भी नंबर पर टिक लगे हुए हैं उन लोगों के फ़ोन में मेरा व्हाट्सअप स्टेटस नहीं जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा। तो इस पर सिंपली से क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम किसी के भी फ़ोन में अपने व्हाट्सअप स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद तीसरे ऑप्शन को भी हम आपको बता देते हैं। एंड इसका उपयोग जो होता है, अगर हम किसी को अपना व्हाट्सअप स्टेटस शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी के पास, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे हम टिक लगाते हैं किसी के व्हाट्सअप में। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से टिक लगाते हैं। तो अब ये जो हमारा जो व्हाट्सअप स्टेटस होगा वो सिर्फ इन्हीं लोगों के पास जाएगा, बाकी किसी और के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली से राइट कर देना है। तो यहाँ पे बैक कर देना, आपकी सेटिंग जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी आपके आपकी इच्छा के अनुसार। तो गाइस, कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।